बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज की क्लास में हम जो कंपोजिशन स्टार्ट करने लगे हैं वो है अस्सलाम। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी कंपोजिशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे 11x11 के। अच्छा, यहाँ पर भी 11 और यहाँ पर भी 11, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो अलिफ बनाना है ना, वो हमारा पूरे 11 बॉक्सेस पे इस तरीके से लेटा हुआ बनेगा। यहाँ पर ही हमने अलिफ लगा दिया। फिर हमने बनाना है लाम, जो कि तीसरे बॉक्स से लेके 11th बॉक्स तक जाएगा, और यहाँ से उसकी सेकंड लाइन हमारी थर्ड बॉक्स से 10th बॉक्स तक आएगी। ऊपर से हम इसको जोड़ देंगे। और फिर हम नीचे इसके सीन के 3 शोशे लगाएंगे, जो के हमारे एक्सटेंड होंगे 2 बॉक्सेस तक, ठीक है। ये एक हो गया, ये 2 हो गए, और ये हमारा तीसरा हो गया। ठीक है, नीचे से हम इसको आखिरी लाइन तक एक्सटेंड करेंगे। इसके बाद हम सीन के बाद हम एक एक्स्ट्रा बनाएंगे बॉक्स, क्योंकि हमने आगे हरफ जोड़ना है। और यहाँ पर हम लाम बनाएंगे। लाम हमारा 3x3 पे होता है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लाम को 2 बॉक्सेस एक्सटेंड करेंगे, यहाँ से हम 3 बॉक्सेस एक्सटेंड करेंगे, एक एक बॉक्स हम अंदर जाएंगे, और यहाँ पे हम अंदर का एरिया फिल कर देंगे, और यहाँ से हम एक एक बॉक्स ऊपर जाएंगे ताकि हम लामल प्ला की एक शेप क्रिएट कर सकें। यहाँ से फिर से हम बाहर आएंगे, ठीक है। और जितना हमारे पास ऊपर एरिया है ना, वहाँ पर हम ये एक्सटेंड कर देंगे लाइंस को। अब यहाँ पे था तो हमने यहाँ से लाइन लगानी स्टार्ट करनी है, ठीक है। और फिर ये अंदर वाली साइड पे, और बाहर से हम लाम की बाहर वाली साइड जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ से हम अंदर वाली साइड को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एरिया है, तो इस एरिया में हमने मीम लिखना है। तो मीम की हम जो है वो डिफरेंट शेप यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि एरिया हमारे पास काफ़ी सारा बच गया है। तो हम उसको कवर करने के लिए यहाँ पर एक मीम की शेप, पहले एक बेसिक सी शेप जो हमें पता है वो हम क्रिएट छोटी सी कर लेंगे, इसके बाद उसको एक्सटेंड करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये मीम की हमारी बेसिक सी शेप होती है। अब इसको हम आगे एक्सटेंड करते जाएंगे, जिस तरह हमने पिछली एक कंपोजिशन में, अल मालिक की कंपोजिशन में हमने काफ को एक्सटेंड किया था, उसी तरीके से हमने इस जगह पर मीम को एक्सटेंड करते जाना है, और ये हमारी जो है कंपोजिशन में बैलेंस हो जाएगी। कंपोजिशन के अंदर सारी चीज़ें एक साथ 11x11 में पूरी आ जाएंगी। तो ये हमारा हरफ अस्सलाम लिखा गया है। आप लोगों को कोई भी कंपोजिशन सीखनी हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, आपको मैं बनानी सिखा दूंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।